स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज देश भर के सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। दोस्तों कहां गर्मी पड़ने वाली है और कहां आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली बिहार समेत इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम। IMD ने आने वाले दिनों में जारी की बारिश की चेतावनी। दोस्तों माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व भारत में गर्ज के साथ बारिश की संभावना है। इसी बीच 14 मार्च तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी बारिश और बादल गरजने की भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों भारत के दक्षिणी हिस्सों में 15 और 17 मार्च तक बारिश होने की उम्मीद है। दोस्तों पश्चिमी हवाओं की ट्रफ अब मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में उत्तर बिहार में, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और उत्तर अंतरिक्ष कर्नाटक में दक्षिण अंतरिक्ष कर्नाटक तक चलेगी। दोस्तों ऐसे में मौसम बनने के कारण पश्चिमी बंगाल और सिक्किम और झारखंड में गरज बिजली और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और चुटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों पश्चिमी असम, उड़ीसा और बिहार में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दोस्तों इस मौसम प्रणाली के प्रभाव 15 मार्च तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और 13-14 मार्च को राजस्थान में गरज के साथ चुटपुट बारिश होने की संभावना है। दोस्तों होगी बारिश, बिगड़ेगा मौसम विभाग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि आज से 14 तारीख तक के उत्तराखंड में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है और आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में बिजली गिरने की संभावना है। 13 और 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश और 13 मार्च को राजस्थान में मौसम बिगड़ेगा। दोस्तों 13 मार्च से 18 मार्च तक मध्य पूर्व और दक्षिण हिस्सों में मौसम बिगड़ेगा। उत्तर भारत के एक मैदानी इलाकों में पारा गिर सकता है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां अगले सप्ताह बारिश होने की संभावना। अगले सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला एक ताजा पश्चिमी पोच दिल्ली में बारिश ला सकता है। IMD के पूर्व अनुमान से 14 से 16 मार्च तक बारिश की संभावना और इशारा भी किया गया है। अगले सप्ताह आसमान में बादल छाए रहेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।